आर हिम लथा वर्सेस कस्तूरी केस का नाम है आर हिम लथा वर्सेस कस्तूरी ये है रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर केस है साइटेशन है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री लाइव लॉ एस सी थ्री जीरो फोर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जीरो एक्ट पर यह केस लॉ है हमको जब एज ए एविडेंस कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करना है जो कि अनरजिस्टेड अनरजिस्टर्ड है सो तो उसकी कितनी वैलिडिटी है और कोर्ट क्या उसको एडमिसबल करेगा या नहीं सो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का जो प्रोवाइजर 49 है 49 क्या बोलता है मेन सेक्शन में है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है तब आप उसको एज एविडेंस यूज करिएगा बट 49 नाइन में दिया है कि कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो कि अफेक्ट करेगा इमोबल प्रॉपर्टी को लिमिट कहाँ तक कर रहा है इमोबल प्रॉपर्टी को सो so, कोई भी यदि इमोबल प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग में कोई यदि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है सो so, उसको एज एविडेंस कब एक्सेप्ट किया जाएगा उसके लिए लिखा हुआ है कि uh, प्रोवाइज टू तो सेक्शन 49 एंड अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमोबल प्रॉपर्टी एंड रिक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रेशन एक्ट और द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टू तो बी रजिस्टर्ड मे बी रिसीव्ड एज एन एविडेंस कब एविडेंस की तरह लिया जाएगा ऑफ ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सो वो पर्टिकुलर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एज अ एविडेंस कंसिडर किया जाएगा सिर्फ जब सूट फाइल होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ना रजिस्ट्रेशन एंड 1908 में देखते हैं तो तमिलनाडु के सेक्शन सेवनटीन वन जी रजिस्ट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया और बोला कि जितनी भी प्रॉपर्टी हंड्रेड रुपीज़ से प्लस होंगी उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा अब इन दोनों प्रोविजन के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ एक पार्टी कह रही है कि इस एविडेंस को जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है इसको एज ए एविडेंस एडमिट होना चाहिए दूसरी पार्टी क्लेम कर रही है चूँकि कंपलसरी रजिस्ट्रेबल था और आपने नहीं कराया इस वजह से ये अफेक्ट में ये ये यूज़ नहीं होगा पार्टी वापस से क्लेम करना चाह रही कि हम 49 नाइन प्रोवाइजों के थ्रू आना चाह रहे हैं बट दूसरी पार्टी क्लेम क्या कर रही है कि सेवनटीन वन जी में जब लिखा हुआ है कंपल्सरी तो आप फोर्टी नाइन में क्यों क्लेम करेंगे सो इशू क्या बन रहा है क्या सेवेंटीन वन जी में जो आपने अमेंडमेंट किया क्या उस वजह से हम कह सकते हैं कि फोर्टी नाइन का जो प्रोवाइजो है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा सो इसी के रिगार्डिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया है हेल्ड दैट ट द अमेंडमेंट विल नॉट एफेक्ट द प्रोवाइज टू सेक्शन फोर्टी नाइन विच अलाउ अनरजिस्टर्ड सेल अग्रीमेंट टू बी रिसीव इन एविडेंस दैट मीन्स भले ही सेवनटीन वन जी में उन्होंने अपने स्टेट में अमेंडमेंट कर दिया है बट स्टिल फोर्टी नाइन प्रोवाइज हो जो हमारा बात कर रहा है कि आप इसको जब भी सूट फाइल होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या कोलेटरल ट्रांजेक्शन के लिए सो so उस केस में वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को आप एज अ एविडेंस एडमिट कर सकते हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ So if you like the video, just subscribe it. Thank you.